देश की एक और एयरलाइंस कंपनी दिवालिया होने वाली है। जी हां, गो फर्स्ट ने 3 और 4 मई को अपने सभी विमानों को रद्द कर दिया, जिसका सीधा मतलब ये है कि पहले ही आर्थिक मंदी से जूझ रही थी गो फर्स्ट एयरलाइंस, लेकिन अचानक से अपने सभी विमानों को ग्राउंडेड कर देना कई बड़े सवाल खड़े करता है। दरअसल गो फर्स्ट को फंड की भारी कमी है और जिसकी वजह से ये एयरलाइंस कंपनी जो है वो तेल कंपनियों को अपना भुगतान करने में अक्षम है, भुगतान नहीं कर पा रही हैं। और ये जो कंपनी है गो फर्स्ट, वो अपने जो इंजन बनाने वाली कंपनी अमेरिकी कंपनी है प्रैट एंड विटनी, उसके ज़रिए इंजन सप्लाई किया जाता था, लेकिन वो भी अब बंद हो गया है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर गो फर्स्ट का क्या होगा, क्योंकि कंपनी ने अर्जी दी है वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी की, जिसका मतलब है कि वो स्वेच्छा से दिवालिया होना चाहती है, उसके पास फंड्स नहीं है। अब आप सोचिए गो फर्स्ट में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे उनका क्या होगा, और जो यात्रा करने वाले थे 3 और 4 मई को वो क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। आपको ये भी बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो विमानन मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम हर संभव प्रयास करेंगे गो फर्स्ट को बचाने के लिए, लेकिन एक आंकड़ा बहुत डराने वाला है। जो देश की कई एयरलाइंस बंद होती चली जा रही हैं, पिछले 7 साल में 5 एयरलाइंस जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, जिसमें किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में आप जानते हैं, जूम एयर, एयर कार्निवल, एयर कोस्टा, एयर पेगासस, ये 5 एयरलाइंस कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जो कई सवाल खड़े करती हैं।